नमस्कार दोस्तों, बींग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का टॉपिक जो रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें भी हम जो 1919 तक का हम डिस्कस कर चुके थे जहां मॉन्टेक्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे, और उसके बाद जो है हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ये करेंगे अराउंड हम 1935 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1919 में जो था मॉन्टेक्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद हमारा आया रोलेट एक्ट। उसमें रिफॉर्म में क्या हुआ था कि उस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ था कि सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसमें रिफॉर्म पास करने लगे थे, रिजोल्यूशन होने लगे थे, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना होते हुए। तो जो मॉडरेट थे, जो ब्रिटिश थे, उनको मॉडरेट्स को रिजोल्यूशन के तौर पे उनको सांत्वना दे रहे थे कि हाँ रिफॉर्म होते रहेंगे। और उसी दौरान इन्होंने रोलेट एक्ट पास किया जिसमें क्या था कि किसी भी पर्सन को सस्पिशियस होने के उस पर ही बेसिस पे ही उनको उठा के जेल में डाल देते थे। तो क्या था मतलब इसमें रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि किसी भी पर्सन को सिर्फ शक होने पे ही उसको जेल में डाल देते थे उठा के। तो इसमें क्या था, आपके राइट्स जो थे वो सस्पेंड हो जाते थे कि हाँ मतलब हेवियस कॉर्पस जो आपका राइट होता है वो सस्पेंड हो जाता है, कि ट्रायल नहीं होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी, किसी कोर्ट में पेशी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, सीधा जेल में उठा के डाल दिया। ठीक है, तो इसका जो पूरी काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी इंडियन मेंबर थे उन्होंने सबने अपोज किया था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर भी इसको पास कर दिया था। तो उसी के अगेंस्ट में जो हमारा वो सत्याग्रह हुआ था, जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में हुआ था। ठीक, और जिसको क्या कहा गया था, फर्स्ट मास स्ट्राइक, मतलब पहले जो हमारी रही थी हंगर स्ट्राइक हुई थी, फिर स्ट्राइक भी हुई थी फर्स्ट स्ट्राइक जो मतलब गांधी जी की रही थी, तो वो तीनों चंपारण और अहमदाबाद मिल और खेड़ा। ठीक है, तो इनमें इसमें जो था ये फर्स्ट मास स्ट्राइक थी जिसमें मतलब ऑल ओवर इंडिया से सब कंट्रीब्यूशन हुआ था सभी लोगों का। तो इसके बाद क्या था, गांधी जी ने मतलब नेशन वाइड प्रोटेस्ट करा जाएगा, और वो 1919 में हुआ था फरवरी में। उन्होंने मतलब ऐसा नारा दिया कि चलो अब नेशन वाइड प्रोटेस्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट चल रहे थे वो फेल हुए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की, और जो उन होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे, जो मतलब यंगर मेंबर थे, जैसे हनी बेसेंट, तिलक और ये नेहरू साहब जी जो थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू, इन सब मतलब उसमें लगाया कि हाँ अब जो है सत्याग्रह करते हैं इसके खिलाफ, सत्याग्रह सभा में सबको लगा के और सत्याग्रह लॉन्च करने को बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो 1919 में अप्रैल 6 पे जो था सत्याग्रह, हमारा रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हो गया। ठीक, उसके बाद क्या था, एक इंसिडेंट हुई जो बैसाखी का पर्व था, तो वहाँ पे जो सिख लोग थे वो वहाँ पे इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पे जो भी डिस्कशन या जो कुछ भी चल रहा था वो सब लोग गैदर हुए, तो जनरल डायर ने ऑर्डर किया, वहाँ एक ही गेट था, उनको चारों तरफ से जो भी एक या दो गेट थे उनको घेर करके और वहाँ पे गोलीबारी शुरू कर दी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, और जो निहत्थे लोग थे उन पे गोलीबारी करके बहुत सारे लोगों की जान गई उसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं जिसको। ये हुआ था अप्रैल 1919 में, डेट इनका याद रख लें, जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी, तो उसमें डेट याद रखें, अगर कोई बुक आ रही है तो बुक याद रखें, किसी पर्सन का नाम किसी इवेंट से इंक्लूड हो रहा है तो उसको याद रखें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलेंगे हम पूरे उसमें। तो ये अप्रैल 13, 1919 को जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ, और जो इंसिडेंट हुई उसके बाद गांधी जी को मतलब लगा कि भाई ये तो वायलेंट हो रहा है सारा जो कुछ भी था, तो उन्होंने जो है ये जो मूवमेंट थी उसको विड्रॉ कर लिया ऑन अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, मतलब इसके जस्ट बाद ही, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हुआ था जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे देखो टर्की जो था ये खिलाफत शुरू हुई थी टर्की से, टर्की के जो खलीफा थे उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको उनके पद से हटा दिया था, जो सुल्तान ऑफ टर्की थे। ठीक है, और जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वो टर्की जो सुल्तान थे टर्की के उनके पक्ष में थे और उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। तो अभी फिर 1919 में इंडिया में क्या हुआ कि एक खिलाफत कमेटी गठित हुई जो खिलाफत मूवमेंट टर्की की थी उसको सपोर्ट करने के लिए, और किनके अंडर में हुई ये याद रखेंगे। उससे पहले एक और छोटी सी बात देख लेते हैं कि टर्की जो था वो अलाइड था जर्मनी के साथ, और जो जर्मनी की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए जो ब्रिटिश था तो वो उसके अगेंस्ट में जा रहा था टर्की के। ठीक है, मतलब उनको सप्रेस करने में लगा हुआ था। तो फिर यहाँ पे उसके खिलाफ जो मूवमेंट, जब खिलाफत चल रही थी, तो इंडिया में क्या क्या हुआ उसके हिसाब से अब वो देखते हैं।
तो 1919 में खिलाफत कमेटी गठित हुई, जो सेटअप हुई मतलब, और उसके लीडर जो थे वो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो अली ब्रदर्स थे उनके लीडर थे, और भी जो थे अली ब्रदर्स में दो ये थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। दूसरे जो लोग थे उसमें थे मौलाना आज़ाद एंड अजमल खान, और तीसरे थे हसरत मोहानी। इन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि उनका जो एटीट्यूड है टर्की के प्रति वो थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। इसी दौरान गांधी जी को अप्रूवल मिल गया कांग्रेस से कि तुम, कि गांधी जी जो हैं नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक। मुस्लिम लीग ने भी डिसाइड किया कि कांग्रेस को फुल सपोर्ट देगी, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो खिलाफत मूवमेंट चलती रही और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलती रही, तो उसमें कुछ कुछ इंसिडेंट होती रही बीच में, मतलब इतना कुछ खास नहीं हुआ। तो फिर क्या था कि 5 फरवरी 1922 में चौरा चोरी इंसिडेंट हुई। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या था कि एक गाँव था चौरा चोरी, जो यूपी का है शायद, तो उसमें क्या था, पुलिस वालों ने कुछ जो वॉलंटियर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दारूवारी की दुकान के खिलाफ या विदेशी सामानों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पीट पाट दिया पुलिस वालों ने। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के बाकी लोग इकट्ठे हुए और उस जो पुलिस स्टेशन था उसी में आग लगा दी, तो उसमें 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए थे। जैसे वो क्या करते थे, अगर कोई बाहर भी आ रहा है उसको पीट पाट के अंदर आग में फेंक देते थे, तो मतलब 22 लोगों की मौत हो गई उसमें। उसके बाद गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये वायलेंट होती जा रही है जो मूवमेंट थी, और इसीलिए उन्होंने जो मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक। तो इसमें बस ज़्यादा ये कुछ खास इतना है नहीं, बस थोड़ा इवेंट के साथ साथ चलते रहेंगे तो याद रखें, और इवेंट का डेट जो है वो 5 फरवरी 1922 ये याद कर लें, तो साथ में बस चलते रहेंगे। और ये नाम जो है ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ऊपर हमने देखे, इनको ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि 1920s जो मतलब 20 to 30 का जो पीरियड था उसमें क्या क्या सीन चल रहा था, क्या क्या हो रहा था, कुछ चीज़ें जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हमने लिख ली। देखिए उस समय में क्या थे, नॉवेल्स और बुक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था, कि बाकी चीज़ें मतलब कम हो रही थी उस समय में थोड़ा, तो नॉवेल्स जो उस समय रिलीज हुए या पब्लिश हुए और बुक्स जो पब्लिश हुई, तो उनका काफ़ी योगदान रहा उसमें। तो एक जो बुक थी वो थी बांदी जीवन, जो सचिन सान्याल ने लिखी थी, ठीक। और दूसरी जो थी पत्थर दबी या दाबी कुछ ऐसा है, जो कि शरत चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। इन दोनों बुक का काफ़ी नाम आता रहता है और कई बार ये पूछी भी गई है, बांदी जीवन तो 2-3 बार पूछी गई है मतलब इन एग्जाम्स में, तो इन दोनों का याद कर लेंगे, बांदी जीवन बाई सचिन सान्याल एंड पत्थर दबी बाई शरत चंद्र चटर्जी। इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रहा था उस पीरियड में, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बार बार पूछी जाती है। और उसके बाद क्या था, HRA जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी वो सेटअप हुई थी, फाउंड हुई थी अक्टूबर 1924 में, और किसने करी थी, ये थे इनके जो फाउंडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, और बाकी लोग उसमें थे जोगेश चंद चटर्जी और सचिन सान्याल, ये तीन लोगों ने मिलकर HRA का गठन किया था, ठीक। उसके बाद एक काकोरी रॉबरी इंसिडेंट, और ये HRA की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थी, ठीक है। उसके बाद जो थे, इस इंसिडेंट के बाद जो थे, 4 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया था, और 17 लोगों को अरेस्ट किया गया था, और उनमें से जो थे 4 लोग, ये बिस्मिल और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी, इनको जो था फांसी पे लटका दिया गया था इस इंसिडेंट की वजह से। उसके बाद यहाँ पे एक और इवेंट रखी गई है, लाल लाजपत राय की डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। इसको वैसे हम जब साइमन कमीशन डिस्कस करेंगे उसमें हम अच्छे से देख लेंगे, अगर वहाँ पे मैंने लिखा होगा तो। और इनका क्या था, मतलब चलो बता देता हूँ यहीं पे क्या हुआ था, कि जब एंटी साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो साउंडर थे पुलिस ऑफिसर थे, तो उनके ऑर्डर से पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट किया, तो ये लाल लाजपत राय लीड में रहते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा चोट आई और 17 नवंबर को इनकी डेथ हो गई, 17 नवंबर 1928 को। उसके बाद क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने मिलकर जो था साउंडर को गोली मार दी थी, और जो जिसने रिस्पॉन्सिबल था लाठी चार्ज के लिए। उसके बाद क्या हुआ था, ये हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि हम जो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे उनके बारे में सब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब सबका डिस्कशन हो जाएगा। तो उनको गोली मार दी, उसके बाद क्या हुआ कि आज़ाद जी का इनकाउंटर हो गया था
फरवरी 1931 में जो अलाहाबाद के एक पार्क में और भगत सिंह जी को फांसी लगा दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको 23 मार्च 1931 में फांसी लगा दी गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद अभी हम साइमन कमीशन देख लेते हैं। 1927 में आया था, ये भी एडवांस हो गया था कुछ दिन। इसमें क्या था कि ये जो कमीशन आने वाला था, ये इंडिया में ये देखने के लिए आने वाला था कि इंडिया में गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए जा सकते हैं और किस बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि जितने भी मेंबर थे, 7 मेंबर थे इस कमीशन के, और जितने भी मेंबर थे वो सारे ब्रिटिश थे, मतलब वाइट थे। तो दिक्कत यही थी कि इंडियन मेंबर उसमें कोई भी नहीं था, और इंडिया के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन की बातचीत करने आ रहे थे वो, या उसकी पॉसिबिलिटी देखने आ रहे थे। तो इसका नाम रखा गया था सर, जो इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसके नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया था, साइमन कमीशन। तो इस कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ था, जहाँ भी मतलब जैसे भी ये जाते तो वहाँ पर ब्लैक फ्लैग्स के लिए इनके खिलाफ में मतलब प्रदर्शन किया जाता। ठीक है, तो बस इसका अभी तो यहीं पर इतना यही था, साइमन कमीशन के बारे में इतना ही था। उसके बाद क्या था, कांग्रेस सेशन हुआ आपका मद्रास में 1927 दिसंबर 1927, और जिसके जो प्रेसिडेंट रहे थे वो एम ए अंसारी रहे थे। इसमें डिसाइड हुआ था कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करा जाएगा, और किसी भी स्टेज तक और किसी भी फॉर्म में, मतलब हर फॉर्म में उसको बॉयकॉट किया जाएगा, किसी भी तरह कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। ठीक, उसके बाद हमारा इसी के बाद जब साइमन कमीशन फेल हो गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं आया, तो नेहरू साहब ने एक रिपोर्ट, मतलब एक प्रस्ताव पास करा लिया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तो इसी के बाद आती है हमारी नेहरू रिपोर्ट। उसमें जब ये प्रस्ताव उन्होंने पास कराया कि हाँ हम खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो सभी लोगों का उसमें सपोर्ट था कि हाँ भैया हम बनाएंगे सब लोग। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई, तो जो मतलब कमेटी वो अपॉइंट हुई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी उस समय की अपॉइंट हुई कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा जाए, तो उसके चेयरमैन रहे थे मोतीलाल नेहरू। ये ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू थे या मोतीलाल नेहरू, तो इसमें ध्यान रखिए मोतीलाल नेहरू थे। तो उसमें जो अपॉइंट हुई कमेटी, उसने रिपोर्ट सबमिट करी। उसके बाद क्या था, पहले अब रिपोर्ट का क्या मेन पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। तो उन्होंने लिखा था उसमें कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए इंडिया को, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अबोलिशन होना चाहिए, मतलब वो ख़त्म कर दिया जाए कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहे। उसके बाद जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस थे, मतलब लैंग्वेज के बेस पे प्रोविंसेस डिवाइड किए जाए, या मतलब उनको रखा जाए जैसे भी अभी बाउंड्री है उस हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से रखा जाए। और क्या थे हमारे 19 फंडामेंटल भी ऐड दिए जाए हमें, 19 फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या था, ये इक्वल राइट फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तो किया, लेकिन जिन्ना जी को ये बात गवार नहीं गुजरी, और उन्होंने अपनी 14 डिमांड्स रखी जितना भी आगे के लिए, मतलब उन्होंने कुछ इसमें अमेंडमेंट भी दिए थे कि भाई तुम सेपरेट इलेक्टोरेट रखे रहने दो, और दो तीन चीज़ें उन्होंने रखी थी जिससे जो मुस्लिम्स को थोड़ा फ़ायदा हो रहा था, तो वो जब नहीं मानी गई तो उन्होंने अपनी 14 डिमांड रख दी आगे के किसी भी फ्यूचर के डिस्कशन के लिए मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो हमारा लाहौर सेशन होता है, उसके मैंडेट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए गांधी जी ने भी अपनी डिमांड रखी, 11 डिमांड टू गवर्नमेंट, और उनके लिए डेडलाइन भी रखी कि अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। तो गवर्नमेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो गांधी जी ने उसी दौरान, मतलब उसी बीच में गांधी जी ने, मतलब कोई जब जवाब नहीं आया उनका, तो फरवरी के एंड तक गांधी जी ने डिसाइड किया कि नमक बनाने का जो तरीका है उसको हम सेंट्रल फार्मूला रखेंगे सीडीएम के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। तो फिर दांडी मार्च शुरू हुआ हमारा, तो 12 मार्च से 16 अप्रैल तक दांडी मार्च शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम से, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी पे पहुँचे 6 अप्रैल को। वहाँ पर गांधी जी ने एक हैंडफुल साल्ट उठा के जो था सॉल्ट ला तोड़ा, और ये जो मूवमेंट थी मतलब पूरे इंडिया में फैल गई थी। इधर ईस्टर्न कोस्ट पे भी लोग नमक बनाने लगे थे, वेस्टर्न कोस्ट पे भी ज़्यादा लोग नमक बनाने लगे थे, मतलब जहाँ भी देखा जा रहा था तो उसका जो सॉल्ट ला था उसको तोड़ा जा रहा था, फिर नमक को थैलियों में रख रख के बेचा जा रहा था, वो सब मतलब किया जा रहा था। और इसी बीच में एक जो थी ये पेशावर में एक और इंसिडेंट थी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, स्पेस हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल मंथली जो थी वो पुश्तो पॉलिटिकल मंथली स्टार्ट की,
और उन्होंने क्या था, एक वॉलंटियर ब्रिगेड स्टार्ट किया जिसका नाम था खुदाए खिदमतगार। ये काफ़ी पूछा जाता है खुदाए खिदमतगार, इसको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इनका क्या फॉर्मूला था कि भैया फ्रीडम मिले और नॉन वायलेंट तरीके से मिले, ठीक। नेक्स्ट हमारा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 और 31 में हुई थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 19 नवंबर 1930 से दिसंबर 1930 के बीच, ठीक है। इसमें कांग्रेस और जो मोस्ट जो मतलब बिजनेस लीडर्स थे उन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया था, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, ठीक। और जो मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी और लिबरल्स जितने जो भी थे, मतलब प्रिंसली प्रिंसेस जो थे, उन्होंने इसको अटेंड किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो इसमें बस मेन बात यही है कि क्वेश्चन ऐसा बनता था कि मुस्लिम लीग ने तो अटेंड करी ही थी, तो बस कांग्रेस का पूछा जाता कि कौन कौन सी की थी, इन्होंने फर्स्ट नहीं करी थी, बाकी दोनों की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई तो कोई इंपॉर्टेंट आउटकम नहीं आई उसकी। उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट, या इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते थे, वो हुआ जनवरी 1931 में। इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नवंबर 1930 टू दिसंबर 1931, ठीक, सॉरी 1930। तो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट हुआ जनवरी, इसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जनवरी 1931 में। इसमें क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें मतलब मानी गई कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर, इसको अच्छे से याद कर लें, कई बार पूछा जाता है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जिनका अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है वायलेंस के प्रति, मतलब जो भी वायलेंट कन्विक्ट नहीं हुए हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, सारे लोगों को जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। दूसरा क्या था, जो भी फाइन अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा क्या था, जो लैंड अभी तक किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई है वो भी वापस हो जाएगी। और चौथा क्या था कि साल्ट बनाने का जो है राइट दे दिया जाएगा लोगों को, पर्सनल यूज़ के लिए, सेल के लिए नहीं, ठीक है। तो यहीं पे ये चारों चीज़ें क्या है, इनमें मतलब थोड़ा सा लॉजिक आता है कि क्या सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया था, इस तरह से पूछा जाता है, क्या सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया था, क्या सबका फाइन माफ़ कर दिया गया था, क्या सबकी ज़मीन वापस कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि जो नई बेची गई थी तीसरी पार्टी को वो ज़मीन वापस हुई थी, या जो फाइन कलेक्ट नहीं हुआ था तब तक वो कम हुआ था, ये सब। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से याद कर ले, चारों पॉइंट बहुत अच्छे हैं गांधी इरविन पैक्ट के, ठीक है। उसके बाद क्या था कि गांधी जी सॉरी इरविन जो थे वो अग्री नहीं हुए थे कि भगत सिंह और उनके जो तीन कॉमरेड्स थे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जो भी थे, तो उनका जो कम्यूटेशन को करने के लिए वो राजी नहीं हुए थे, मतलब उनको जो डेथ सेंटेंस था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलने के लिए राजी नहीं हुए थे। और दूसरी क्या थी, जो इनकी ये भी डिमांड थी, ये जो जिसके लिए अग्री नहीं हुए थे, दूसरा क्या था कि पुलिस एक्सेस में जो पब्लिक इंक्वायरी थी उसके लिए भी राजी नहीं हुए थे इरविन, ठीक है। और गांधी जी ने उसके लिए अग्री करा था जो CDM को विड्रॉ करने के लिए, और नेक्स्ट जो RTC होने वाली थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी उसके लिए। तो ये हमारा गांधी इरविन पैक्ट था पूरा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी 23 मार्च 1931 में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी दिसंबर 1931 में। इसमें बस डेट ही याद कर लें, और दूसरा ये कि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, और बस इसमें कुछ खास हुआ नहीं था। इसके बाद आता है हमारा कम्युनल अवार्ड। जब ब्रिटिश में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो नए प्राइम मिनिस्टर बने रामसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या था, अनाउंस करा कम्युनल अवार्ड 1932 में, अगस्त 1932 में। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख जो थे वो ऑलरेडी रिकग्नाइज थे एज ए माइनॉरिटी, राइट। तो उसके बाद अब इन्होंने क्या करा था कि डिप्रेस क्लासेस को भी माइनॉरिटी में उनको भी शामिल कर दिया गया था, और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस को ये चीज़ें, मतलब जो कांग्रेस तो ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थी, तो उसके मतलब कांग्रेस को ये चीज़ें गवारा नहीं गुजरी। तो उसके बाद एक पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट, जिसमें जो डिप्रेस क्लासेस की तरफ से थे वो B.R. अम्बेडकर साहब लड़ रहे थे। इसमें क्या हुआ, ये सितंबर 1932 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था उसको तो हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन जो था सीट रिजर्व कर दी गई सेंट्रल लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल स्टेट्स में। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो थी 18% रिजर्व कर दी गई, और प्रोविंशियल में 71 थी तो 140 के करीब उनको बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये सारी डेट बस याद कर लेंगे कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और तो इतना कुछ खास नहीं है।
और हाँ ये कर दिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस में दिया गया था और किस में हटाया गया था, ये दोनों चीज़ याद कर लें कि कम्युनल अवार्ड में तो दिया गया था, पूना पैक्ट में उसको हटा के रिजर्वेशन रख दिया गया था 15%। ठीक, तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ रही है इसमें वो डेट और जो लोग जिस चीज़ों से जुड़े हुए थे, जिन मूवमेंट से जुड़े हुए थे उनको याद कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिस्कस करेंगे जो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त प्रस्ताव और ये सारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू।